हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तैयारी आपकी एकदम बढ़िया जबरदस्त चल रही होगी। यस सर, अब तो सर काउंटडाउन शुरू हो चुका है, एकदम कम समय बचे हैं। अब मन में ख्याल आ रहा है कैसे तैयारी करें सर, कैसे रिवीजन करें कि सारी चीजें हो जाए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है। यस, चाहे कुछ भी हो जाए सर, कुछ भी हो जाए, इस बार नीट निकालना है। तो ओके, आज के लिए प्रिपेयर हो जाइए। दिस साइड आशुतोष चौबे, योर नीट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आई डिड माई एम टेक फ्रॉम जे एन टी यू हैदराबाद एंड बी इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम एम आई टी पुणे। आई हैव 12+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आई हैव पब्लिश्ड 5 रिसर्च पेपर इन नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स एंड प्रोड्यूस मल्टीपल ऑल इंडिया रैंकर्स एंड मेंटर्ड मोर देन 20K स्टूडेंट्स। यस, और आपको मेंटर करने के लिए अब आ चुके हैं बेटा चौबे बाबा, तो एकदम प्रिपेयर हो जाओ, परेशान मत होना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, चलो आप सोशल मीडिया पे बेटा ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम के अनलॉक नीट पे। यस, टेलीग्राम के अनलॉक नीट पे आप फॉलो कर सकते हो, और यूट्यूब पे जो ये चैनल है अपना अनलॉक नीट, जा करके सबसे पहले इस चैनल को आप क्या करो बेटा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये बात ज्यादा बच्चों तक समझ में आ जाए, उन तक पहुंच पाए, जिससे कि सबका बेनिफिट हो पाए। और बेटा फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, अगर हम लोग जो फेंकते हैं वही रिटर्न सेम स्पीड से आता है, सो अच्छाई फेंको, आपके पास भी क्या आएगी बेटा, अच्छाई आएगी। ओके, सो बी रेडी, इसको बेल आइकन को दबाना मत भूलना बेटा। इससे क्या होगा, इस चैनल पे जो भी चीजें होंगी, जो भी क्लासेस होंगे, इसके अपडेट आपको मिलते जाएंगे। ओके, एक लिमिटेड एडिशन ऑफर है बेटा उन बच्चों के लिए जो बच्चा नीट यूजी के साथ साथ सीबीएसई की अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहा है। तो ये एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, वनली फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन बेटा ये अलाउड है, अब बहुत ही कम टाइम के लिए है, तो फटाफट जाकर के इसका बेनिफिट उठा लो, क्योंकि 12 मंथ के अगर आप नीट यूजी सीबीएसई प्लस नीट यूजी का कॉम्बो लेते हैं, तो 12 मंथ पे बेटा इस बार आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप 24 मंथ पे जाते हो बेटा, तो आपको अगेन 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। आप पाओगे ओके सर, गॉट इट सर, समझ में आई सर, मतलब ये एक लिमिटेड एडिशन ऑफर है बेटा, तो फटाफट जा करके इसका बेनिफिट आप लोग। यस बेटा, जो बच्चे नीट यूजी 2022 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, मतलब जो बच्चा इस बार अभी किस क्लास में है बेटा, 12th स्टैंडर्ड में, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो, 2022 को आप टारगेट कर रहे हो कि सर मैं 2022 में नीट दूंगा और पहले साल में सर निकाल लेना चाहता हूं, पहले अटेम्प्ट में निकाल लेना चाहता हूं, तो बेटा आप क्या करोगे, पावर इलाइट बैच, अर्ली ड्रॉपर बैच, संजीवनी बैच 4th अगस्त से शुरू हो चुका है, फटाफट जा करके इसमें एनरोलमेंट। बेटा आप बोलोगे सर अगर मैंने इस बार 10th पास किया है, मैं 11th में हूं तो क्या करूं? ठीक है बेटा, आपके लिए भी बैचेस हैं। जो बच्चे 2023 को टारगेट कर रहे हैं कि सर 2023 में एग्जाम देंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकालेंगे, यस फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकालेंगे, तो बेटा वो लोग जा करके लीजेंड बैच और संजीवनी बैच बेटा ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी 4th अगस्त से शुरू हो गया है, तो बिना लेट किए हुए फटाफट जा करके बच्चा इसमें ज्वाइन। यस बेटा, अब आपके साथ आती है क्वेश्चन, सर फी क्या है? यस बेटा सुनो, आप देखोगे यहाँ पे अगर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन की बात मैं करूं तो 5,250 रुपीज पर मंथ है, लेकिन अगर आप 11th में हो तो आपको क्या करना चाहिए, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 2,100 पर मंथ आएगा, देखो 50% से भी कम आ गया। आप बोलोगे सर इसमें भी डिस्काउंट करा दो, तो 10% का आपका डिस्काउंट हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कोड यूज कर देना, यस नीट बाबा, चौबे बाबा का कोड क्या है, नीट बाबा। ओके, जो बच्चा बोलेगा सर इस बार मैं 12th में हूं मैं क्या करूं, तो बेटा आप 12 मंथ का ले लो सब्सक्रिप्शन, यहां पे क्या होगा 2,888 रुपीज ओनली आपको पड़ेगा, उसमें भी 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ये कोड डालते ही नीट बाबा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये एक बड़ी बात बेटा। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आपको क्या होता है, सीखने का मौका मिलता है। मतलब इंडिया के बेस्ट एजुकेटर बोल रहा हूं, मतलब कोटा की टॉप फैकल्टीज आप देखोगे तो अनअकैडमी पे अवेलेबल है।
अगर बेटा आप जा करके पाओगे कि बहुत सारे बुक ऑथर जिनके बुक्स आप पढ़ते हो प्रिपरेशन के दौरान, वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऐसे लोगों से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, जाकर के वीडियो लेक्चर देखो, जिनकी चीजें आपको आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, उनको आप फॉलो करो। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे बेटा, यस, मतलब ऐसा नहीं होगा कि केवल टीचर वन साइडेड बोल रहे हैं और आप तक ना, आप अपने क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहे हो, केवल मैसेज कर पा रहे हो, तो ये यूट्यूब तक होता है। जब आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आओगे स्पेशल पे, जो कि कंप्लीट फ्री है, ठीक है, या प्लस पे, तो आप पाओगे बेटा कि वहां पे क्या है, दुनिया ही अलग है। आप डायरेक्टली अपने एजुकेटर से बात कर पाते हो। पोल का ऑप्शन है जिसमें क्वेश्चंस दिया जाता है, जैसे नीट में आप प्रैक्टिस करोगे, सर एक क्वेश्चन 1 मिनट का लगा दो, तो 1 मिनट का टाइमर लग जाएगा और उसमें कौन बच्चा कितना पहले किया वो सारी डिटेल्स मिल जाती है। तो वहां एक अलग दुनिया ही है, एक अलग मजा आता है। ठीक है बेटा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिल जाता है एंड पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाते हैं सारे लेक्चर के। बेटा आइकोनिक बैच अगर आप लेते हो तो 6 मंथ की जो फी है वो 5,700 पर मंथ है, लेकिन जैसे ही आप 24 मंथ में जाते हो, आप पाते हो कि सर ये तो 3,750 रुपीज पर मंथ हो गया, सर बहुत ज्यादा कम हो गया। और इसमें भी कम करना है तो यस, चौबे बाबा का कोड क्या है, नीट बाबा। क्या नाम रहेगा, नीट, नीट वाले बाबा, नीट बाबा। जैसे ही नीट बाबा डालोगे आप कोड, आप पाओगे कि आपको 10% का डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा बेटा। प्लस जब आप लेते हो तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलता है। लेकिन जैसे ही आप आइकॉन पे जाते, यहां दुनिया ही अलग है बेटा। यहां पे क्या होगा, पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा, एक मेंटर्ड असाइन कर दिए जाएंगे जो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपको किस तरीके से तैयारी पूरे साल लेकर के चलनी है, वो पूरा गाइडेंस उनका मिलेगा। आपको स्टडी प्लानर मिलेगा जिसमें आप अपने पूरे साल का, पूरे मंथ का, पूरे सप्ताह का और डेली का प्लान कर लोगे कि मैं पूरा सिलेबस कैसे खत्म करने वाला हूं, किस टॉपिक को कब रिवाइज करूंगा, किसको कितनी प्रायोरिटीज दूंगा, ये सारी चीजें आप इसमें करें। बेटा आपको स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं। अगर आप चाहते हो कि 12, 18 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो आइकोनिक, तो आपको ब्रांडेड मटेरियल आपके घर तक पहुंचाया जाता है और एकदम वो हार्ड कॉपी में होता है बेटा। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिंदास आप इधर उधर की बुक में और सारी चीजों में अपना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, एकदम फोकस हो करके उसी को आप अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। एक्सपर्ट के आपको गाइडलाइंस मिलते हैं एंड टेस्ट की एनालिसिस मिलती है आपको। बेटा अगर आपको लगता है कि किसी एजुकेटर के कंटेंट इनअप्रोप्रिएट हैं, तो आप जा करके रिपोर्ट करते हो और पहले रिपोर्ट करने वाले हो, तो अनअकैडमी आपको अवार्ड देती है। ये ऐसा क्योंकि अनअकैडमी चाहता है कि एजुकेटर उसके जो हैं वो बेस्ट से बेस्ट चीजें आप तक लाएं। यस बच्चा, आपके लिए, एजुकेटर की जिंदगी किसके लिए डेडिकेटेड है, लर्नर्स के लिए, आप लोगों के लिए। हमारी बस एक ही इच्छा है कि कैसे भी आप नीट निकालो और एमबीबीएस कॉलेज में आपका दाखिला हो जाए, आपका एडमिशन हो जाए और एक अच्छे डॉक्टर बन करके आप आओ और इस देश की सेवा करो। यस बेटा, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर ऐसा आपको किसी एजुकेटर के कंटेंट में लग रहा है तो आप जाकर के उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। बेटा स्कॉलरशिप टेस्ट देना मत भूलना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्कॉलरशिप टेस्ट देना मत भूलना, क्योंकि इसकी टोटल प्राइस जो वर्थ है वो 11 करोड़ रुपीस है। और इससे भी महत्वपूर्ण बेटा डेट को नोट डाउन कर लो, 14 और 15 अगस्त को है आईआईटी जेई और नीट यूजी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चा। बेटा इसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, जब आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आप अपने आप का आकलन कर पाओगे कि आप कहाँ हो। यस सर, मेरी तैयारी किस लेवल पे है, मैं कहाँ हूं, ये जानना जरूरी है। साथ ही आपको ढेर सारे प्राइज भी, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस, सबसे पहला काम कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बेटा क्या है, अगर ड्रॉपर आप हो, ठीक है, +12 आईआईटी जेई 2021 को टारगेट कर रहे हो, तो आपका ये देखो ये डेट और ये आपकी टाइमिंग। तो बेटा फटाफट क्या करना, नीट यूजी के लिए
2 PM to 3:30 PM का टाइम है। तो बेटा अगर आप 10th में हो, टारगेट 2023 है आपका, तो 15 अगस्त को आपका है 10 AM to 11:30 AM। मतलब इसमें आप अपने आप को सही आकलन कर पाओगे बेटा। एकदम पेपर का लेवल वही होता है जो नीट और IIT JEE का लेवल। ठीक है, तो फटाफट जा करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और डेट अपने डायरी में नोट डाउन कर लो और जरूर इसमें अपियर। अगर आप बेटा, मुझे उम्मीद है 1 to 10 रैंक लाने वाले को यहाँ पे बेटा मैकबुक मिल रहा है, तो लाओ 1 से 10 के अंदर में रैंक और फटाफट मैकबुक लेके जाओ। 11 to 15 रैंक अगर आता है तो आपको एप्पल iPhone 12 मिलेगा। 16 to 20 रैंक होल्डर्स को एप्पल iPad मिलेगा। 21 to 50 रैंक होल्डर्स को अमेजन इको डॉट 4th जनरेशन मिलेगा। एंड 51 to 100 रैंक होल्डर्स को बेटा अमेजन के बहुत सारे वाउचर्स मिलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपने आप को पहचान पाओगे कि आप कहां पे लाइज कर रहे बेटा। डेली प्रैक्टिस टेस्ट में अन एकेडमी एक लकी विनर को आईपैड डेली दे रहा है। ये 12 जुलाई से शुरू हो चुका है, तो जाकर के आप unacademy.com को क्या कर सकते हैं बेटा, जाकर के देख लें यहां पे वेबसाइट पे कि क्या डिटेल्स हैं और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर समझा सर, सारी बातें ये सब तो समझ में आ गई। आज कुछ स्पेशल है, यस आज मैं बहुत खुश हूं आप लोगों के। कुछ बातें आपको लिए बताना चाहता हूं। कल के स्पेशल क्लास में ढेर सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर एग्जाम नजदीक आ रहा है, हमें सर टेंशन हो रहा है, सर हम किस तरीके से आगे बढ़े नहीं समझ में आ रहा है, सर हम लोग प्रेशर में जी रहे हैं, बहुत बेचैनी हो रही है। क्यों बेटा, क्वेश्चन है क्यों? यस, तो इसलिए आज के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मोटिवेशन। वो ऐसी कौन सी चीज है जब हम गिर रहे होते हैं तो हमें उठाती है? मोटिवेशन। यस बेटा, मोटिवेशन। मतलब आप एक बार सोचो कि आखिर ये जो पार्ट है अभी, ये हर बच्चे की जिंदगी में है। जब आपसे कोई एग्जाम लिया जाता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो UPSC का एग्जाम हो, या कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम हो, तो उनकी कोशिश क्या होती? आप अगर जो पेपर बनाते हैं उनके स्ट्रैटजी और उनकी जो कोशिश होती है उसको समझ पाओ, तो आप एग्जाम को बड़े आराम से बेटा क्रैक कर पाओ। तो सबसे पहले मैं आज जो आपसे बात बोलूंगा वो ये बोलूंगा कि बेटा अपने मन से डर जो है उसको हटाओ। क्योंकि फियर में क्या होता है, आप सबसे ज्यादा अपना समय बर्बाद करते। समय बर्बाद करने का मतलब है कि आपकी मैक्सिमम टाइम केवल चिंता में चली जाती है, क्या करें, कौन क्या कर रहा होगा, नहीं निकलेगा तो क्या होगा, पेपर किस लेवल का आएगा, टफ होगा बहुत ज्यादा या नॉर्मल पूछ देगा, पिछली बार की तरह तो नहीं करेगा, ऐसे तमाम ख्याल आपके मन में। उनका तरीका मालूम है क्या? एक तरीका, पहली बात सुन, तरीका है कि सारे टेंशन जो दिमाग में आए उनको बोलना, भाई साहब अभी के लिए तुम जाओ, हम तुमसे बात करेंगे 12 सितंबर के बाद। कब बात करेंगे? 12 सितंबर के बाद। ये सारी चिंताओं का समाधान मैं 3 दिन निकाल लूंगा, 3 दिन बैठ के केवल चिंता के बारे में ही सोचूंगा और कुछ नहीं करने वाला हूं, लेकिन 12 सितंबर तक मैं कुछ नहीं सोचूंगा। तो पहले आप अपने दिमाग से निकाल दो, जो बच्चे कल मैसेज कर रहे थे कि नहीं सर कैसे, आप बताओ किस तरीके से हम लोग प्रेशर में आ रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, क्या करें? बेटा एकदम डरने की जरूरत नहीं। आप अपने आप से बोलो कि जितना आपने पढ़ा है ठीक है, अब उन चीजों का कैसे आप रिवीजन करते, और पेपर में वो सारी चीजें आपको याद आनी जरूरी है जितना आज तक आपने बेटा पढ़ा। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, सारे टेंशन को अपने क्या करेंगे बेटा, बोल देंगे कि भाई साहब अभी मत आना। ठीक है, जैसे वो एक मूवी थी ना, आज मत आना कल आना, वैसी वाली बात। तो बेटा ऐसा है कि सारे टेंशन को आप बोल दो कि 12 सितंबर के बाद इस पे हम सोचेंगे। माइंड को वहां पे डाइवर्ट कर दो कि भाई 12 सितंबर के बाद जितनी चिंता आ रही है, जितने फियर्स हैं, जितनी परेशानी है, सबके बारे में चर्चा करेंगे, सबका बदला लेगा रे तुम्हारा फैजल 12 सितंबर के, 12 सितंबर से पहले नहीं। दूसरी बात, आप जो तैयारी कर रहे हो आप सबसे पहले ट्रेंड को जाकर के देखो। बार बार मैं बोल रहा हूं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या करना, एक किसी ईयर का क्वेश्चन उठा लो, 2013 से शुरू हुआ 2020,
अब एक प्रैक्टिस टेस्ट जिस टाइम पे एग्जाम होता है 2 to 5 PM का आप एक शेड्यूल अपना फाइनल करो, 2 to 5 PM का, क्योंकि उस टाइम में आपका दिमाग चलना चाहिए। तो आप बोलो ठीक है सर, 2 से 5 PM का मैंने लगाया, और 2 से 5 PM का आप अलार्म लगा दो, 2 to 5 PM का बेटा क्या कर दो, अलार्म लगा। किसी एक ईयर का आपने उठा लिया 2013 का पेपर, और ईमानदारी से करना पूरा उसको शुरू कर दो। जैसे ही ये करना आप शुरू करोगे, आप पाओगे कि आपको समझ आ जाएगा कि 3 घंटे में आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। मतलब ये बात जब समझेगी कि यस सर 3 घंटे में मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया, सपोज कर लो फिजिक्स में 45 था तो सर 35 ही हो पाया, केमिस्ट्री में 45 था सर लग रहा है कि केमिस्ट्री में मैंने 40 तक कर लिया था, बायो में सर 90 था मैंने बायो में सर 88 तक अटेम्प्ट कर लिया। जा करके निगेटिव मार्किंग दे और खुद से सोचो कि क्या ऐसा भी क्वेश्चंस था जिसके फॉर्मूले मुझे आते थे, क्या डर के कारण मैंने क्या कर दिया, गलती कर दिया, या ऐसे भी फिजिक्स में फॉर्मूले थे जो फॉर्मूला तो मैंने सही लिखा था सर, लेकिन अप्लाई करते समय मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज गलत पुट कर दी। कॉमन मिस्टेक फिजिक्स के साथ आती है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज बच्चा क्या करता है, गलत पुट कर देने की वजह से बेटा क्या हो जाता है कि क्वेश्चंस गलत हो और आप निगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। निगेटिव मार्किंग के क्या डिसएडवांटेज है आपको समझ में आता, एक नंबर अपना भी चला जाता। इसलिए फर्स्ट स्टेप हमें समझा कि सारे जो भी जब भी आप पढ़ रहे हो इस तरीके के आ रहे हैं परेशानी, केवल लिख देना 12 सितंबर के बाद बात करेंगे, कहानी खत्म, दिमाग को एक है ठीक है, 12 सितंबर के बाद जितनी परेशानी है। अब इसमें फिर क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग आए बेटा क्या, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में चर्चा। जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ये आपका 13 से लेके कितने तक 2020 तक, इसमें कई बार 2 बार भी पेपर हुए हैं, तो जाकर के सारे पेपर देख। अब आपके पास जो समय है आपने क्या किया, ठीक है सर टोटल 11 या 12 बार पेपर हुए हैं तो अब लगातार मैं 12 डेज की अपनी एक प्लानिंग करूंगा, और मैं क्या करूंगा बाकी जो मेरा टाइम हो 2 to 5 PM के बीच में मैं सर फिक्स कर दूंगा कि मुझे कुछ नहीं करना है, रोज एक पेपर सॉल्व करूंगा। एक पेपर सॉल्व किया, उस पेपर में क्या क्या गलतियां हुई, 2 घंटा अगर समय लगे कोई बात नहीं, वो टाइम उसके ऊपर जा करके दो और जा करके देखो कि यस सर इसमें मैंने एनालिसिस अपना खुद किया, क्योंकि ये एनालिसिस हर बच्चे का बेटा इंडिविजुअल होगा। हो सकता है कोई बच्चा फिजिक्स में अच्छा हो, कोई बच्चा केमिस्ट्री में अच्छा हो, बायो में अच्छा हो, तो आपने कहां पे गलती की है अपने कमी को नोट डाउन करो और फिर उसको कोशिश करो कि अगले टेस्ट में आप क्या करो, उस वो गलती कम से कम नहीं होनी चाहिए। कोई नई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, जो गलती पहले टेस्ट में किया था ये गलती इस बार मैं नहीं करने वाला हूं चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी बात समझ में आई बेटा। तीसरी बात, अब जब ऐसे करते हुए जब 12 डेज पे आप पहुंचोगे तो आप पाओगे कि मैक्सिमम आपको अपनी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्या क्या केयर करना होगा, क्या क्या गलतियां हुई होंगी, बहुत सारे सुधार आप कर चुके होंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप। तो इन चीजों को ध्यान से देखो। दूसरी बात, जब ये 12 साल के पेपर्स को आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपको समझ आएगा कि सर इस 12 जो टोटल पेपर्स थे इन सॉल्व करने के दौरान एक ट्रेंड मुझे पता चला कि बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चन, यस बेटा बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं डेटा बदल करके। ठीक है, मतलब आपको समझा कि ठीक है सर मुझे क्या करना है। अब तीसरी स्टेप मेरी होगी कि उन सारे टॉपिक्स का रिवीजन फटाफट और अच्छे से कर लेना। बहुत सारे टॉपिक आपको दिखेंगे फिजिक्स में भी और बायो में तो पूछना ही नहीं है, और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी से डायरेक्टली जा करके देखो कि एनसीईआरटी में किस पेज पे क्या डिटेल्स हो दिया गया है। जैसे ही ये डिटेल्स आप पाओगे आपको लगेगा यस सर एनसीईआरटी से केवल डेटा चेंज करके या कई बार डायरेक्ट लाइन इन्होंने उठा करके पूछ लिया। तो 3 स्टेप हुआ जिससे आपके प्रेशर्स आपके जो हैं ये कम हो जाएंगे। और ये क्या क्या हुआ बेटा, स्टेप 1 जो भी इस तरीके के मन में ख्याल आए उनको क्या करना है, बोलना है सब कुछ 12 सितंबर के बाद। दूसरा,
PYQ हमें करना है। PYQ किस सीक्वेंस में करना है, ठीक है, 2013 से या 2020 से, जहां से आपको उठाना है आप पिक कर सकते, ठीक है। बस ये पैटर्न हो कि अगले 12 दिन में लगातार 2 से 5, चाहे बाढ़ आए चाहे कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं है, मैं बैठ करके एकदम एक जगह पे मोबाइल को साइलेंट कर लेना। यस, ये ज्यादा जरूरी, मोबाइल को साइलेंट करके, मोबाइल नहीं रहे, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहे, उस माहौल में पेपर देने की कोशिश करना बेटा, जिस माहौल में, मतलब PYQ जब सॉल्व करो 2 to 5 PM के बीच में, तो उस माहौल में सॉल्व करना जिस माहौल में आप पेपर देते, मतलब बीच में आकर के कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कुछ नहीं, रूम बंद, आराम से मैं बैठा और बैठ करके सॉल्व। इस दौरान एक और परेशानी है, क्या आएगा सुन, मन जो है ना बड़ा चंचल होता है। आप क्या करोगे, आपने सॉल्व करना शुरू किया, पहला क्वेश्चन, दूसरा, दूसरा, तीसरा, जैसे ही आप 15 या 18 पे पहुंचे, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है फिजिक्स का, आप बोलोगे सर ऐसा कर लेते हैं, जाके कॉपी रेफर कर लेते हैं। इस तरीके की गलती मत कर। कॉपी रेफर करने में क्या होगा, आप वहां से फॉर्मूला देख के ये क्वेश्चन कर लोगे और आपके मन में एक गलत फहमी बैठ जाएगी बेटा कि अरे मैंने तो सर खुद से कर लिया, बट सच्चाई ये थी कि वो क्वेश्चन आपने नहीं किया था, वो क्वेश्चन आपने नहीं किया था साहब। क्यों? क्योंकि बेटा वो क्वेश्चन आपने रेफर किया था, फिर आपने सॉल्व किया, तो एकदम आपको अपने एग्जाम के माहौल में बैठना। बेटा इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, जब आप नीट का पेपर देने जाओगे 12 सितंबर को, तो आपका दिमाग एक तो उस समय पे काम कर रहा होगा, दूसरी बात क्या होगी आपके साथ कि आप उस माहौल के लिए इतने हैबिचुअल हो चुके होंगे कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी, 3 घंटे के सिटिंग में एक बार भी आप इधर और उधर नहीं करेंगे, मतलब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। सो बेटा अभी के लिए आपका पहला काम क्या हुआ कि ठीक है, सबसे पहले बाकी सारे टेस्ट सीरीज और जो आपने ज्वाइन किए हैं वो, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन PYQ आपको करना है तो PYQ जरूर जाके कर लीजिए, ठीक है बेटा, क्लियर समझ में आ रहा है? ओके सर, समझ में आया, बात अच्छे से समझ में आ रही है सर, मतलब 13 से लेके 20 तक के सारे पेपर मैं अच्छे से देख लूंगा, 2 से 5 बैठूंगा, 3 घंटे में पेपर दूंगा, जो आएगा उसे अटेम्प्ट करूंगा, प्रॉपर ये समझ करके कि ये मेरा नीट का फाइनल एग्जाम है और इसी एग्जाम पे मेरा सिलेक्शन। अब सोचो जब इस पेपर में आप बैठोगे, फिर पेपर के बाद 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, जब आपको टाइम मिले, मैं पूरा अपना एनालिसिस करूंगा कि मैंने कहाँ गलती किया है, कहाँ क्या क्या चीजें और इम्प्रूव की जा सकती हैं और उसको अगले पेपर में इम्प्रूव। बेटा ध्यान से सुनना, जब ऐसी प्रैक्टिस आप कर लोगे ना, तो आप ऑटोमेटिक अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे। अब एक परेशानी और आएगी आपके साथ, सर बीच में बहुत सारा मन इधर उधर करेगा, 2 4 पेपर देने के बाद मन ये बोलेगा कि क्या प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से कोई बेनिफिट है, प्रीवियस ईयर से क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, मन में बहुत सारे ख्याल हैं। जब आप कोई चीज टारगेट करते हो ना कि यस मुझे ये काम करना है, तो मन जो है उसको डेविएट करने के तमाम रास्ते बताता है। एक यहां पे मैं कहानी आपको सुनाऊं, आप लोगों ने सुना भी होगा, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अच्छाइयां हैं बुराइयां हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, जो चीजें मोटिवेट करती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एक युद्ध की बात थी और उसे क्या था कि वो युद्ध में गया, एक रिवर था, इस रिवर को इधर उसके सारे सैनिक थे, रिवर को नाव से वो लोग क्रॉस करके इस साइड गए और यहां पे उसको युद्ध लड़ना था। जैसे ही ये रिवर क्रॉस किया, रिवर क्रॉस करने के बाद जितने भी नाव थे सारे नाव को इसने जला दिया, सारे इसके सैनिक जो हैं वो पैनिक हो गए, आपने ये क्या कर दिया? उसने बोला कि तुम्हारे पास अब एक रास्ता है, लड़ो या मरो, तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि तुम यहां से लौट करके भाग जाओ, भागने का ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं। तो बेटा एक बार डिसाइड कर लिया कि नीट निकालना है तो निकालना है, भागने का रास्ता नहीं, और इसी बार निकालना है ये भी फिक्स्ड। ओके सर, ओके सर, समझ में आई बात, मतलब ये देखो जब ऑप्शंस होने लगते हैं ना, तो आपका माइंड जो है फुल इफिशियंसी के साथ अपना काम नहीं करता, जब आपको लगता है कि यही डू और डाई का कंडीशन है, करो या मरो की स्थिति है, तो वैसी स्थिति में आप अपना 100% दे पाते हो और ऐसा लगता है कि सर यस
हमारे अंदर, मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या ये मैं ही था जिसके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी पोटेंशियल थी। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है बेटा कि आप जाओगे और जा करके इस चीज का ख्याल करोगे कि सर मैं क्या करूंगा। माइंड मुझे बार बार, कई बार मुझसे बोलेगा, पूछेगा ये बातें कि सर अभी पेपर छोड़ देते हैं, कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। आपको उन सारे डिस्ट्रैक्शन से बचना है बेटा, ठीक है? यहां तक क्लियर? मतलब PYQ करेंगे, 2 से 5 के बीच में करेंगे, कॉपी पेन लेके एकदम उस टेम्परामेंट के साथ करेंगे जैसा नीट का पेपर देते। यहां तक क्लियर? कोई ऑप्शन नहीं है जिंदगी में नीट निकालने के अलावा और कोई रास्ता। तीसरी बात जो अभी मैं देख रहा हूं और फील कर रहा हूं, अभी देख रहा हूं कि बच्चों के साथ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। ये शायद हमारे टाइम में नहीं थे, बट ठीक है, हर समय के साथ, हर एज के साथ अपने एक चैलेंजेस होते हैं। अभी का चैलेंज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज। आप जाकर के बच्चों ऑब्जर्व करना कि दिन भर में कितनी बार आप फोन उठाते हो और उस फोन को उठा करके आप क्या करते हो बेटा? आप अपना स्टेटस चेक करते हो, फेसबुक के आपने पोस्ट दिया है उसको कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, इंस्टाग्राम को जाकर के देखते हो। तो बेटा एक चीज समझो, अभी के दौर में सोशल मीडिया में अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपका जो यूज है केवल उतना ही होना चाहिए। यस, मुझे चौबे सर का लेक्चर करना है, 10 to 11 AM पे आते हैं, तो मेरी अवेबिलिटी 10 to 11 AM होगी। 11:05 के बाद सर का क्लास खत्म हो गया, इसके बाद कोई अवेबिलिटी नहीं, कहानी खत्म। क्योंकि बेटा अभी आपका मेजर टाइम बर्बाद हो रहा है सोशल मीडिया, और इस टाइम को अगर आप नहीं बचाओगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप फाइनल दौर में हो, ओलंपिक अगर आपने देखा होगा तो उन लोगों के बारे में सोचो जो लड़ रहे थे वहां पे, केवल उनके पास समय था बेटा 6 मिनट, और इस 6 मिनट के लिए उन्होंने 12 12 साल मेहनत की। सोच सकते हो 12 साल की मेहनत केवल कितने के लिए? इस 6 मिनट के लिए, और इस 6 मिनट में कोई भी एक गलती उनको बर्बाद कर दी और वो जीत नहीं पाए, वो विजेता नहीं कहला पाए। इसका मतलब है कि मुझे समझ में आ गया कि ओके ओके, समझ में आ गई सर बात, अच्छे से समझ में आ गई। मतलब कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी रिस्क अभी हमें नहीं लेना, क्योंकि पूरे 12 साल की मेहनत कितने के लिए हो रही है बेटा? इसी 6 मिनट के लिए। आपकी ये सारी मेहनत बेटा किसके लिए हो रही है? उसी 3 घंटे के लिए हो रही है जिसमें आप जा करके पेपर लिखोगे। और अगर वो 3 घंटा आपके जिंदगी का बेस्ट 3 घंटा हो गया तो आप मान लो कि आपका डॉक्टर बनना तय, नीट निकालना आपका। तो बेटा क्या करना है, समझ में आ रहा है? अच्छे से बात समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब अभी जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं उन सबको बोल दो अलविदा, अभी कुछ नहीं कर। YouTube पे भी एक परेशानियां हैं जो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे बेटा क्या करते हैं कि जो टॉपिक उनका हो चुका है उसको भी कई डिफरेंट टीचर के बार बार देख रहे हैं। मैं स्पेशली ये बात 2021 के बच्चों के लिए कर रहा हूं। बेटा आप एक बात समझो, अगर आपने यूनिट एंड डायमेंशन एक बार पढ़ लिया तो फिर 10 टीचर से यूनिट एंड डायमेंशन यूट्यूब पे पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या आप बाकी 9 घंटे बर्बाद नहीं कर रहे हो? उस 9 घंटे में कुछ नया एक्स्ट्रा आप पढ़ लेते अपने नोटबुक से या लेक्चर से ही? एक ही लेक्चर में, एक ही टॉपिक में रिसर्च नहीं करना बेटा। मन में अजीब अजीब ख्याल आएंगे, सर ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, इसको खूब स्ट्रांग करते हैं, तो बेटा एक ही न, वही एक क्वेश्चन करके आओगे, बाकी नहीं होने वाला। बातें बुरी लगेंगी लेकिन आपके लिए है बेटा। तो ये बात समझो कि ऐसी गलती, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हमें नहीं करने। मतलब बेटा एकदम सीक्वेंस में बता रहा हूं, पहला जो चीजें हैं उनको सबको बोलो कि 12 सितंबर के बाद सारी परेशानियों से मैं मुकाबला करूंगा, परेशान मत हो, दिमाग में अभी मत आओ, 12 सितंबर के बाद देख। यस यस एकदम। दूसरा PYQ हमें करना है 2013 से लेके 2020 तक। तीसरा एक फिक्स्ड टाइम पे करना है, 2 to 3 PM पे सेलेक्ट किया तो हर रोज 2 to 3 ही होगा।
चाहे बारिश हो, बाढ़ आए, तूफान आए, वो टाइम बदलने वाला नहीं है। जब ये मैं पेपर दे रहा हूंगा तो मेरे आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, कोई अलार्म नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, पानी का बॉटल वगैरह सब कुछ एकदम टेबल पे, यस बेटा देख लेकर के बैठे हुए हैं, कि ये ना हो कि उठ करके गए और पानी पी करके आ गए। नहीं, जो एग्जाम का माहौल होता है उस माहौल में आपको देना। आपको फिर क्या करना है, टेस्ट हो गया तो अपने सारे परफॉर्मेंस का एनालिसिस खुद से एनालिसिस करना है अपने परफॉर्मेंस, मैंने कहां पे क्या गलती की है, कैसा किया है, क्या क्या चीजें, और उसको अगले टेस्ट में इंप्रूव कर लेना। एंड 6-1, सोशल मीडिया से अभी मुझे दूरी बनानी है। अगर ऑनलाइन में पढ़ रहा हूं तो केवल जो टॉपिक मुझे जिस सर से मैं सीख रहा हूं उनका लेक्चर देखना है, ये चीज। ऐसा नहीं कि उसी लेक्चर के 50 वीडियोस मैंने देखे और यहां पे मेरी तैयारी, क्योंकि बेटा अब आपके पास समय नहीं है। इस बात को आप समझिए, अपने टाइम को जितना कट कर सकते हैं अननेसेसरी चीजों में उसको कट कीजिए। एंड नेपोलियन बोनापार्ट वाली बातें याद रखिए, आपके पास नीट निकालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। जिंदगी में आपके पास नीट निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, सो आंख बंद करके जाओ और जा करके क्या कर लो बेटा, एकदम आग लगा देनी है, एकदम जी जान से लग जाओ और जा करके क्या करना है, एकदम अपनी तैयारी में दिलो दान से एकदम लग करके, कैसे भी सर इस बार तो निकाल, चाहे कुछ भी हो जाए, पृथ्वी इधर की उधर चली जाए मुझे मतलब नहीं है सर, इस बार मेरा नेट निकलेगा। कितनी सीट है, क्या कंडीशन है, कुछ नहीं मालूम सर, एक सीट मेरा है ये मुझे मालूम है, ये होना चाहिए, मेरा सिलेक्शन पक्का है सर, एक सीट मेरा फिक्स है। इस तरीके से जब करोगे बेटा तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा मेरी बात, ठीक है। तो आप लोग जो परेशान हो रहे थे, कुछ बच्चों के साथ, कुछ बच्चे मैसेज भी किए पर्सनली और कुछ बच्चे यूट्यूब पे भी मैसेज कर रहे थे, तो उनके साथ कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो गई। देखो कोविड का ये फेज चल रहा है, सब लोग परेशान हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। कुछ ऐसी बच्चियां हैं जिनके फादर एक्सपायर कर गए, बड़ा इमोशनल दौर था, बट एक बात समझो, जो चीजें हो गई हैं उससे जितना जल्दी आप रिकवर कर पाओगे, आप अपने इस एग्जाम को बेटा फोकस कर पाओगे, क्योंकि जो चीजें हो चुकी हैं उसे सुधारना आपके हाथ में नहीं है, कुछ चीजें गॉड के हाथ में होती हैं, गॉड मानो, सुपर पावर मानो, जो आप बोल सकते। बट एक बात आपको मालूम है कि जो मेरे हाथ में है वो तो मैं करूं, तो अभी आपकी लड़ाई आसान नहीं है, अभी आपको अपने आप से लड़ना है, और इस लड़ाई में सोशल मीडिया भी आएगा, आपके सरकमस्टेंसेस भी आएंगे, किसी से लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, सारी चीजों को इग्नोर करो, कभी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो अपने आप को, अपने बॉडी को, माइंड को इस तरीके से एकदम प्रॉपर तरीके से लेके चलो कि कोई रिस्क नहीं लेना है। सपोज करो एक एथलीट 12 साल से तैयारी कर रहा है 6 मिनट के लिए, और उसी दिन उसकी तबीयत खराब हो जाए, क्या परफॉर्म करेगा? तो ये टेम्परामेंट होना चाहिए कि सर कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए, ठीक है, हाथ से नहीं मुंह से लिखना पड़े तो भी एग्जाम दूंगा और नीट निकालूंगा सर, इस बार इस तरीके का होना चाहिए। कुछ भी परिस्थितियां आ जाएं, इस बार सर मुझे नीट निकालना है और मुझे नीट निकालने से कोई नहीं रोक सकता, ओके। सो बेटा ये फीलिंग के साथ जो चीजें हो गई उनको मत सोचो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं था उसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, बाहर के जो सिचुएशन है, सरकमस्टेंसेस है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, सिंपली छोड़ दो सारी चीजों के बारे में, सारे दुख दर्द, सारे रोना, सब चीज पे सब कर लूंगा 12 सितंबर के बाद, एक बार 12 सितंबर बीत जाए, 12 सितंबर तक मुझे केवल एक चीज दिखनी चाहिए और वो क्या है बेटा, नीट का एग्जाम, और उसके लिए मुझे जो करना है, और अपने सेहत को एक अच्छी नींद, 6 घंटे की, 7 घंटे की नींद आप ले सकते, ठीक है, इतना। लेकिन बाकी अननेसेसरी जो काम है उनमें टाइम को कट करो, पूरा का पूरा फोकस कर लो। और रिवीजन करने का एक तरीका, कि अगर मान लो सपोज फिजिक्स रिवीजन किया, मन अभी खराब लगने लगा, तो मैं तुरंत केमिस्ट्री पे चला गया और केमिस्ट्री का मेमोरी मैप बनाना चालू कर,
केमिस्ट्री में मन नहीं किया तो फिजिक्स पे आ गए, फिजिक्स का किसी एक टॉपिक का केसीएल उठाया, किरचॉफ करंट लॉ, और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको नोट डाउन करना शुरू किया, उनके मेमोरी मैप बनाने शुरू कर दिए, या उनके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया कि लास्ट के रिवीजन में एक बार में फटाफट सारी चीजें रिवाइज कर लूं। तो अपने आप को प्रोडक्टिव चीजों में एकदम इन्वॉल्व रखो, इस फोकस्ड के साथ, फोकस्ड नहीं हटना चाहिए कि सर मुझे इस बार नीट निकालो। तो बेटा जो आप अंदर से फील कर रहे थे कि नहीं सर थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, क्या करें कैसे आगे बढ़ें, तो बेटा एकदम परेशानी की बात नहीं है, इन चीजों के साथ आप आगे बढ़ो, मेरी बात मानो, जरूर आपका सिलेक्शन होगा, जरूर इस बार आप नीट। ओके चलो जी बेटा, आज के लिए थैंक यू, थैंक्स अलॉट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये जो लेक्चर है ये समझा होगा और आप अंदर से अपने आप को पूछ पाओगे कि यस सर ने जो बातें बोली क्या वो सही थी, और मुझे फोकस होकर के करना है। जब इस लेवल का डेडिकेशन एकदम आ जाएगा तो बेटा आपका सिलेक्शन जरूर होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, बस अपने फोकस को मत हिलने दे, कुछ भी हो जाए किसी भी परिस्थिति में फोकस को मत हिलने देना कि नहीं मुझे निकालना है, मतलब निकालना है, मेरे इतने साल की तपस्या है उस 3 घंटे के लिए, उस 3 घंटे को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, वो 3 घंटा ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है और उसमें मैं बेस्ट परफॉर्म। ठीक है चलो जी, थैंक्स थैंक्स अलॉट।